So welcome friends again. Now we'll try to solve the equivalent resistance between points A and B. अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपके लिए मैं बोलता हूँ, मतलब आपको दिखाई दे. My handwriting is not big but not small also, it's okay. This is 3 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm. This is A and this is B. ओके यहां पे देखो, अभी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है. ओके मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप वैसे वैसे लिखते जाओ. ओके क्या करता हूं, यहां पे राइट में जो प्लेस है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रखता हूं उसको. यहां पे देखो ये है 3 ओम और ये है 3 ओम. ये तो दो सीरीज में है तो 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6 ओम हुआ. और ये तीन पैरेलल में है. यू आर नोइंग दैट व्हेनेवर देयर आर थ्री रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आर वन आर टू आर थ्री अपॉन आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री. अगर दिख नहीं रहा है तो आपके लिए बताता हूँ, आर वन आर टू आर थ्री अपॉन आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री. समझ गए इसका कितना है, सब दो 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 है. टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर टू जा एट, न्यूमरेटर कितना बन जाएगा एट, डिवाइडेड बाय टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर. ये कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली मालूम है एट बाय ट्वेल्व दैट इज 2 बाय 3. तो मैंने आपको बताया था इफ n इक्वल आर देयर इन पैरेलल देन दैट रेजिस्टेंस वैल्यू ईच डिवाइडेड बाय नंबर n. तो यहां पे नंबर n कितना है, 3 है, तो 2 बाय 3. ओके सो दिस विल बिकम 2 बाय 3, दिस इज 3 प्लस 3 6. तो ये कितना बनने वाला बेटा, तो ऐसे बन जाएगा आर ए बी विल बी 6 प्लस 2 बाय 3. ओके 6 प्लस 2 बाय 3 20 by 3 ohm. So answer will be 20 by 3 ohm. Okay? ठीक हो गया, आपने किया तो आपको और देने वाला हूं. अभी वैल्यू में बदलता हूं, इसका वैल्यू बदल के आपको करना है उसका. ओके आपने लिख लिया बेटा, ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट. इसका वैल्यू बदलता हूं. ओके अभी आपको करना है, आपने करना है ये 3 ओम, ये 4 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम आपको करना. मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किया नहीं, आप जब करोगे तब मैं बताऊंगा ये सही है गलत है. ये 3 3 3 2 4 करो फटाक से. हो गया, ओके ओके ओके. Let's go for the next problem. I will drop this above problem. और एक और भी देता हूँ आपको. अपने को काम चाहिए ना, काम तो पूरा दे देंगे आपको. There is no problem. ठीक है, ये बन जाएगा अभी 4 ओहम, 5 ओहम. अभी इसको बनाते हैं 5 सिंपल बना दे, 4 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम. इसका भी प्रैक्टिस करो, दो प्रॉब्लम दिए है ना, पॉज करो लिख के लो बाद में करते. ये अभी सॉल्व कर देंगे. ओके तो ये प्रॉब्लम लिख के लो, ये मैं आपको डिक्टेट करता हूँ. 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम. ये ए ये बी क्या है, 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 1 ओहम. ये ए और ये बी हो गया. ओके ये लिख के लो. थोड़ा किया विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो यहां में केस क्या है देखो बेटा, पहले जो सर्किट दिया है उसको आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल करके लेने का. ये देखो
यहाँ पे ये जो है इसको इकट्ठा करो, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 ओम, बराबर। अब ये क्या बन गया दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ निकाल के, ठीक से देखो बेटा, ये ए थोड़ा बड़ा निकालता हूँ, ये 1 ओम, ये 2 ओम मिल गया। इसके बाद में ये 2 ओम आपका, और यहां से ये 1 ओम, ये दोनों मिला के यहां से 1 ओम, यहां से बी। तो अगर आपने देखा है तो दिस इज परफेक्ट मीटर ब्रिज, ओके, दिस इज अ परफेक्ट मीटर ब्रिज, बट बेटा दिस इज नॉट बैलेंस्ड, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो एक काम करते हैं, ओके, इसको ले लो 1/2, 1/2, अनबैलेंस्ड है तो क्या करना है आपको, 12th में करना है, वो अनबैलेंस्ड है। अभी ये जैसे अनबैलेंस था, इसको हाफ हाफ ले लो, हाफ ओहम हाफ ओहम, तो ये 1 ओहम बन जाएगा, ओके। इतना तो थोड़ा उसमें चेंज करो, मैंने क्या चेंज किया है, इसको हाफ बनाए, इसको हाफ बनाए, देखो, ओके, आई हैव डन हाफ एंड हाफ, आई हैव चेंज दैट, सो हाफ एंड हाफ इट विल बी 1। नाउ इट विल बी लुकिंग एज अ बैलेंस्ड रेजिस्टेंस नेटवर्क। कैसे करना है, इस पॉइंट को बोलो पी, इस पॉइंट को बोलो क्यू, तो अभी ये ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये दिखा दो आपको, ओके, ये बन गया आपका ए, ए के बाद में ये 1 ओहम, ये 1 ओहम, 1 ओहम, 1 ओहम, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 ओहम, इसको मैं खाली 2 लिखता हूँ, ओहम लिखने के लिए जगह नहीं है, P और B के बीच में ये 1 ओहम, और Q और B के बीच में ये 1 ओहम, ये B बन गया। नाउ अभी रेशो देखो, R1/R2 = R3/R4, और R1/R3 = R2/R4, ये रेशो सेम है। अगर ये रेशो सेम है तो इसको निकाल देने का, अभी इसको निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, A से ये 2 रेजिस्टेंस जाते हैं, कैसे जाएगा, इन सीरीज 1 + 1 दैट इज 2। तो कहां पे देखो, यहां पे देखा था ए, आफ्टर दैट ये 1 + 1 दैट इज 2 ओहम, यहां पे भी नीचे भी 1 + 1 2 ओहम, अभी 2 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा 1। तो ऐसी केस में अगर ये सेम सेम दिखाते हैं आपको तो बीच वाला निकाल देने का, और उसका वैल्यू आएगा जितना रेजिस्टेंस है ये ईच वैल्यू उतना ही आएगा उसका। रिपीटिंग माय पॉइंट, शायद आपने पढ़ा होगा, शायद आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है, मैं तो कॉमन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जिन्होंने किया है उनके लिए नो प्रॉब्लम, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए उन्होंने करना है, ओके, डू दैट, ओके। इसके ऊपर मैं आपको और 2 प्रॉब्लम देता हूँ, वो आप एज अ होमवर्क करो, ओके, बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कितना हुआ प्रॉब्लम, ठीक है, जितना हुआ 1 2, हाँ, प्रॉब्लम 3 होमवर्क, ये थोड़ा बड़ा वाला दिखा दो आपको दिखने के लिए, मेरे को मालूम है थोड़ा सा बोर्ड छोटा दिख रहा है, ये आपको करना है, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला बेटा, हाँ, 2 ओहम, 4 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, 2 ओहम,
यहां पे लिखता हूं बी, यहां पे लिखता हूं ए। नोबडी नोबडी शुड फेल टू डू दिस। आप पूछोगे सर कब कैसे करेंगे अभी, इट इज सर न्यू वन, नो नॉट न्यू कनेक्शन। देखो आपको घुमाना है, घुमाने के लिए किया है, घुमाया आपको। ए से चालू किया है ना बेटा, ए से कितना रेजिस्टेंस गया बेटा, दो रेजिस्टेंस गया, यहाँ पे दो ओम, ये दो ओम, टू ओम इज दैट। आफ्टर टू ओम हियर दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल का बनाओ और उसके जगह एक लिख दो, एक मतलब वो रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, वहां पे दो रेजिस्टेंस है, ए से दो निकल गए, बी से भी दो निकल गए, बीच में एक, ये भी आपका रेजिस्टेंस नेटवर्क होगा। अगर वो बैलेंस होगा तो डायरेक्टली यू कैन डू दैट, ट्राई टू डू दैट। ओके अभी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, ऐसे निकालो उसको, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, और इन तीनों को मिला के ये पॉइंट को लिखो पी, ये पॉइंट को लिखो क्यू, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा इधर, ये इधर का, ये दोनों का मिला के इधर का, और ये इधर का, और ये इधर, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन हियर, दिस वन हियर, दिस वन हियर। ओके पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ओके आई विल ड्रॉप दिस। अभी लास्टली ये तीन प्रॉब्लम, हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें एकदम सिंपल है बेटा, घबराने का जरूरत नहीं है, इसको ऐसे निकाल के लेने का, चेन तैयार करने का इसका, समझ गए। तो ए लिखा मैंने, ए के बाद कितना है, दो है, ये टू ओहम, नीचे कौन सा है, टू ओम, ये टू ओम को और एक टू ओम है, और ये दो दोनों मिलके इकट्ठा ऐसे जा रहा है, और इसके बाद में ये टू ओम है, और ये बी है, ए यहाँ पे टू टू सीरीज, ये टू ये टू, अब ये कर सकते हैं आप, टू टू सीरीज फोर, फोर पैरेलल टू, फोर टू एट बाय सिक्स, एट बाय सिक्स मीन्स फोर बाय थ्री, और ये टू, फोर बाय थ्री प्लस टू, इसका आंसर निकालो। ये भी सेम, खाली अभी यहां दिया था, अभी यहां दिया है, तो ये इसको कैसा बनाएंगे, ए ये वन, उसके बाद में ऊपर वन टू, और एक वन ओहम, और इनको तीनों को टू ओहम, और यहां पे बी, समझ गए। सो वन टू वन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन फोर, फोर पैरेलल टू, और ये वन, समझ गए। इन दैट वे दैट कैन बी सॉल्व। ओके डू दैट। ओके नाउ लेट मी रफ एंड वील गो फॉर सम मोर प्रॉब्लम्स। अब ये हुआ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें आप अगर वैल्यू डालें तो आपको करंट भी मिल सकते हैं, यू कैन गेट द करंट ऑल्सो। फॉर एग्जांपल फिर से बैलेंस रेजिस्टेंस नेटवर्क का लेते हैं प्रॉब्लम, लेकिन अभी अपने को सर्किट वी विल कनेक्ट टू द बैटरी। ओके टू ओहम, फोर ओहम, थ्री ओहम, सिक्स ओहम, और ये टेन ओहम, ये आपके लिए, आपको मैं खाली गाइड करूंगा।
फाइंड टोटल करंट करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। ओके अभी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करके बताने वाला आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आपको खाली हिंट दे दूंगा आप सॉल्व करने। नहीं आता है तो यू मे आस्क मी। नाउ सी 2/4 1/2 3/6 1/2 रेशियो सेम आ गया। 2/3 4/6 मतलब 2/3 कैसे भी करो ऐसा 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 रेशियो सेम आ गया। तो क्या करने का लिख लिया आपने क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ बनाने वाला हूं। ओके लिख लो पहले पॉज करो लिख दे। ओके इसको हटाऊंगा इसको हटाया तो क्या होगा 2/4 सीरीज में 3/6 सीरीज में। छोटा सा डायग्राम नीचे बनाता हूं आपके लिए 2/4 सीरीज में 3/6 सीरीज में यही सर्किट बन गया। यहाँ पे ए यहाँ पे बी 2/4 सीरीज में 3/6 सीरीज में। ओके और वोल्टेज कितना दिया 5। तो पहले क्या आएगा आपका आई आई कैसे निकालेंगे आई कैसे निकालेंगे वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी कितना है 5 इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 4+2 6 6+3 9 सो 6 × 9 upon 6+9 6 9 = 54/15 ओके सो 3 से डिवाइड होगा ना 18 3 18 3 = 54 5 18/5 आएगा तो 18/5 सो 5 5 = 25/18 ये आपका हो गया करंट। अब 25/18 आ गया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये दोनों के सेम करंट जाएगा ये दोनों में सेम करंट जाएगा यहाँ से बच जाएगा यहाँ से 25/18 का ये 4+2 6 इधर 6 इधर 9 6 is to 9 that is 2 is to 3 तो जो कम है उसको 3 और जो ज़्यादा है उसको 2 2 is to 3 जाएगा ना। तो वो कैसे करते हैं ये रेशियो है ना ये बन गया आपका 6 और ये बन गया आपका 9 तो 6 is to 9 that is 2 is to 3 तो उल्टा करने का उसका 3 is to 2 सो 3x + 2x = 25/18 सो 5x = 25/18 x = 25/18 into 1/5 सो 5/18 एक का आ गया 5/18 तो इधर 3x मतलब 15/18 ऊपर जाएगा कितना जाएगा 15/18 ऊपर जाएगा और 2x मतलब 10/18 नीचे जाएगा 10/18 नीचे जाएगा। बाकी सब आप देख लो वोल्टेज तो सेम रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे बाद में ये और ये इसका एडिशन हो जाएगा और ये इसका एडिशन हो जाएगा वो दोनों भी एडिशन सेम रहेगा। ओके दैट्स ऑल सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। If you do have any query, any problem, you may ask me. Soon we will be providing you with the sheets. I have already given some sheets in the school. So your class teacher will declare about that. Soon we will try for that. Till whatever sheets, PDFs we have given you, go with the PDFs. Practice well. Stay home. Stay safe. Thanks a lot. Bye-bye.